Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and staying safe. Okay, students. So today we have our maths class. आज हमारी maths की class है ना? Yes. And today is 11th of May and 2021. आज क्या date है? आज 11th of May है ना? Yes. So today we are having our maths class. आज हमारी कौन सी class होगी? आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है? यस, मैथ्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स में मैम ने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? यस, पिछली क्लास में मोर एंड लेस पढ़ाया था ना? और काउंटिंग पढ़ाई थी अप टू थ्री ना, वन टू एंड थ्री, थ्री तक काउंटिंग पढ़ाई थी ना? यस, एंड हाउ टू राइट वन टू एंड थ्री, ये भी सिखाया था आपको. यस स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न फोर फाइव एंड सिक्स. आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे फोर बनाना, सीखेंगे फाइव एंड सिक्स, ठीक है? अब मैम ने देखो, मैम हैज ड्रॉन सम पिक्चर्स. मैम ने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं. दीज आर एप्पल्स. ये क्या है? एप्पल्स है. ओके, सेब है ना? यस. सो देखो, यहाँ पे फोर, थ्री तक हमने सीख लिया था ना? यस. सो थ्री तक मैम ने एप्पल्स बनाए, उसके बाद मैम ने एक एप्पल और बना दिया है. सो ये क्या हो गया? वन टू थ्री एंड फोर. ये कितने एप्पल्स हो गए? फोर एप्पल्स हो गए ना? यस. सो वन टू थ्री एंड फोर. थ्री के बाद क्या आता है? फोर. ये थ्री है ना? वन टू एंड थ्री. एंड जब हम एक फिंगर और ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो गई फिंगर्स? वन टू थ्री एंड फोर फिंगर्स हो गई ना? यस. लाइक वाइज मैम ने फोर एप्पल्स भी बनाए हैं. वन टू थ्री एंड फोर. फोर एप्पल्स है ना? थ्री के बाद फोर आता है ना? यस. सो अब हम देखेंगे कि हम फोर कैसे बनाते हैं. ओके, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हाउ डू वी मेक फोर. ओके, यस एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड. सब लोग बोर्ड को ध्यान से देखो. सो फॉर मेकिंग फोर स्टूडेंट्स, What you have to do, आपको क्या करना है? Firstly, you have to make a slanting line. आपको एक slanting line बनानी है, like this. Slanting line, मैम ने आपको English में पढ़ाई ना? Slanting line मतलब तिरछी रेखा, like this और like this. ऐसे मैम ने आपको सिखाई थी ना English में, तिरछी रेखा? Yes. So हम four बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे एक slanting line. First step हो गया ये हमारा, ठीक है? नाउ सेकेंड स्टेप में वी विल मेक अ स्लीपिंग लाइन. एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे लाइक दिस. एंड देन यहां से लाइक हाफ, फ्रॉम हाफ पोर्शन टिल हेयर वी विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन. ओके, जो कि हमारी ये जो हमने स्लीपिंग लाइन बनाई है इसको थोड़ा सा कट करते हुए लाइक दिस. कैसे बनानी है फोर? दोबारा रिवाइज करते हैं. मेक अ स्लैंटिंग लाइन. एक स्लैंटिंग लाइन बनाओ, छोटी सी स्लैंटिंग लाइन. उसके बाद बनाओ एक स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन मतलब लेटी हुई रेखा, मैम ने सिखाई थी आपको. एंड स्टैंडिंग लाइन भी सिखाया था लाइक दिस, मतलब जो खड़ी हुई रेखा होती है ना? यस. सो हम एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन हाफ, जो हमारी स्लीपिंग लाइन को एज पे कट करती है, साइड में थोड़ा सा हल्का सा कट करते हुए. सो ये हमारा बन गया नंबर फोर. क्या बन गया? नंबर फोर. लाइक वाइज मैम के पास स्पून है, सो वी विल स्टडी फ्रॉम स्पून से स्टडी करेंगे. कैसे? ये है वन स्पून. वन टू थ्री एंड फोर. फोर स्पून हुई ना मैम के पास? यस. वन टू थ्री एंड फोर. सो थ्री के बाद क्या आता है? फोर. वन टू थ्री एंड फोर. ओके, लाइक वाइज मैम के पास कलर्स भी हैं. So we'll study from colors also, like one, two, one color, two color, three color and four color. Four colors हो गए ना? Yes. So ये क्या हो गए? ये क्या हो गया? Number four. ठीक है? Okay. So now come on number five. अब हम number five देखेंगे. Likewise, मैम ने apples बनाए हैं. Five apples. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ठीक है, फोर के बाद क्या आता है? फाइव. तो ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव. जैसे मैम के पास फाइव स्पून्स भी हो गई, ये फोर स्पून्स थी अभी. वन टू थ्री फोर स्पून थी. अब इसमें एक स्पून और ऐड कर देंगे तो ये कितनी स्पून्स हो जाएंगी?
फाइव स्पून हो जाएंगी ना, और हमारे पास फिंगर्स कितनी होती हैं? फाइव, फोर फिंगर्स होती है, एक थंब होता है, बट टोटल हैंड में कितना होता है? फाइव होते हैं ना, फोर फिंगर्स एंड वन थंब इज इक्वल टू फाइव। लाइक वाइज हमारे पास फोर कलर्स थे तो इसमें हमने एक कलर और एड कर दिया, तो ये कितना हो गया? फाइव कलर्स हो गए ना, वन कलर, टू कलर, थ्री कलर, फोर कलर एंड फाइव कलर। ठीक है, यस। सो अब हम बच्चों फाइव बनाना देखेंगे कि कैसे बनाते हैं फाइव। ठीक है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना। फाइव बनाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक स्लीपिंग लाइन। फर्स्ट एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना दीजिए, ऐसे स्लीपिंग लाइन। देन नेक्स्ट स्टेप में बनाइए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, एंड उसके बाद इसी स्टैंडिंग लाइन को एक्सटेंड करते हुए एक कर्व बना लेंगे लाइक दिस। ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और इसी स्टैंडिंग लाइन को जोड़ते हुए एक कर्व बना देंगे लाइक दिस, एंड ये बन गया फाइव, नंबर फाइव। लाइकवाइज मैम ने आपको कर्व सिखाया था ऐसे बनता है ना, तो हमने वही कर्व यहाँ पे बनाया है लाइक दिस। एक दोबारा देखेंगे, एक स्लीपिंग लाइन, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन एंड एक कर्व लाइक दिस। ये क्या बन गया? दिस इज नंबर फाइव। ये हमारा क्या है? नंबर फाइव। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ लेट्स मेक नंबर सिक्स। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे नंबर सिक्स बनाना। ओके मैम ने यहाँ पे सिक्स एप्पल्स भी बनाए हैं, हमने फाइव तक एप्पल सीख लिए थे, अब मैम ने एक एप्पल और एड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने एप्पल हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एप्पल्स हो गए ना। यस yes, जैसे कि मैम के पास फाइव स्पून्स थी, अभी फाइव स्पून थी ना, वन वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम इसमें एक स्पून और ऐड कर देंगे तो कितनी स्पून हो जाएंगी? सिक्स स्पून हो जाएंगी ना। यस, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। लाइकवाइज हमारे पास कलर्स भी थे फाइव, फाइव कलर्स थे ना मैम के पास, अब मैम ने इसमें एक कलर और ऐड कर दिया, तो ये कितने कलर्स हो गए? सिक्स कलर्स हो गए ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके यस, अब हम सिक्स बनाना सीखेंगे कि सिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, यस। सो फॉर मेकिंग सिक्स स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ स्लैंटिंग लाइन एंड देन अ कर्व विच जॉइन्स योर स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। ये क्या बन गया? दिस इज अवर नंबर सिक्स। ये क्या बन गया? सिक्स तक मैम ने बनाया ना, यहाँ पे भी सिक्स बनाया, देखो। यस, कैसे बनाना है? फर्स्ट स्टेप में आपको बनानी है एक स्लैंटिंग लाइन एंड देन यू हैव टू मेक अ कर्व विच जॉइन्स योर स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए, एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए और यहाँ पे खत्म कर दीजिए एक कर्व बना के। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका नंबर सिक्स। यस, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया आज हमने क्या क्या सीखा? टुडे वी लर्नड हाउ टू मेक फोर, हाउ टू मेक फाइव एंड हाउ टू मेक सिक्स। ठीक है, मतलब फोर फाइव और सिक्स हमने सीखा। ठीक है, अब सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स पे आ जाओ, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे। ठीक है, यस।